श्री रेणुका जी, झील की सफाई को लेकर मार रेणुका सेवा समिति व वन्य प्राणी विभाग आमने सामने आ गए हैं। शनिवार को मार रेणुका सेवा समिति से जुड़े दर्जनों लोगों ने वन्य प्राणी विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया और इसके बाद सरकार को नायब तहसीलदार ददाहू के माध्यम से एक ज्ञापन भी भेजा। वन्य प्राणी विभाग के ACF विनोद रांटा ने बताया कि झील की सफाई को लेकर वन्य प्राणी विभाग गंभीर है और अब झील की सफाई का कार्य शुरू कर दिया गया है। वो मात्र केवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी श्री रेणुका जी के खिलाफ था, क्योंकि पिछले टाइम से, काफ़ी टाइम से हमारा एक सेवा समिति बनी थी जो झील की सफाई के लिए कार्य करी थी, और उसका कारण था मात्र हमारी जो आस्था की जो रेणुका झील है, जो हमारी माँ स्वरूप है, वो लुप्त होती जा रही है। उसका आकार बिल्कुल छोटा हो गया है, उसके सिरे की तरफ और चन्नों की तरफ गाद इकट्ठी हो गई है। जब हमने विभाग से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि हम गर्मियों में निकाल देंगे, गर्मियाँ आ गई, गर्मियाँ चलेगी। फिर हमने विभाग से कहा, इन्होंने साफ मना कर दिया कि हमने बोला हम निकालते, लोगों को भी मना कर दिया जो कि श्रमदान में आ रहे थे, ना खुद कर रहे ना हमें करने दिया जा रहा है। जबकि इनके कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो हमारे साथ है, जो बोल रहे कि हमें रिटर्न में भी दे दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ से चेंज हो जाता है। ऐसा कौन सा अधिकारी है यहाँ पे? अगर उसकी धार्मिक आस्था नहीं है तो हमारी धार्मिक आस्था तो है, हम इसको सूखने नहीं देना था। बोल रहे कि लेके सफाई करेंगे, झाड़ियाँ साफ करेंगे, इस तरह कुछ मुद्दा सामने आया है। तो जब मैंने इससे गो थ्रू किया, स्टडी किया इस चीज़ को, तो ये थोड़ा टाइम पहले हमने ही लोगों को पार्टिसिपेटरी अप्रोच के तहत इनवाइट किया था कि आप लोग आएँ और हमारे साथ विभाग जिस तरह से चाहता है तो लोगों की आस्था का भी ध्यान रखते हुए कि सफाई करेंगे, जो मानव निर्मित, जो मानव से, जो मतलब हमारे द्वारा जो हमारे द्वारा प्रोड्यूस्ड है, जो कचरा है, कोई प्लास्टिक है, बॉटल्स है, इस तरह की सफाई करें और सुंदर बनाएं इस एरिया को। तो उसके तहत हमने लोगों को इन्वाइट किया। शुरू में कुछ समय तक स्मूथ चलता रहा यह सब कुछ, पर थोड़ा समय बाद शायद लोगों को लगा कि जब हमारे को इसमें इन्वॉल्व कर ही दिया है तो भारी संख्या में आए। तो मैं ये बताना चाहूँगा, जो ये एरिया है ये प्रोटेक्टेड एरिया है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो 1999 में फाइनल नोटिफिकेशन इसका हुआ था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। तो इसके कुछ नियम है जिसके तहत हम इसमें एंट्री इस तरह से नहीं दे पाते हैं मास इसको, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव हो सकता है वाइल्ड एनिमल्स के लिए। साथ ही हमारा जू है और 2005 में इसको हमने एक रामसर साइट का भी इसको कैटेगरी मिली हुई है, तो डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन काफ़ी ज़्यादा है। तो लोगों के सेंटीमेंट्स को ध्यान में रखते हुए हमने एक शुरुआत की थी, शुरुआत हमारी तरफ से हुई थी, हमारे पक्ष से हुई थी कि पार्टिसिपेटरी अप्रोच रहेगी, क्योंकि लोगों का इन्वॉल्वमेंट जब तक नहीं आता है तब तक चीज़ें स्मूथ नहीं हो सकती है, स्ट्रीम लाइन नहीं हो सकती है।